بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वफा आएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे है। हम हर साल यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी का सूरज हमारे लिए ग़ुलामी की तारीकी से नजात और आज़ादी की खुशियों का पैगाम लिए तुलू हुआ था। यानी इस दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। लफ्ज़ आज़ादी सुनने और कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आज़ादी हमें कैसे हासिल हुई? क्या अंग्रेज़ ज़ालिम ने हमें आज़ादी तोहफे में पेश की? नहीं नहीं मेरे भाइयों, बल्कि आज़ादी के लिए हमारे रहनुमाओं ने, हमारे उलमाओं ने क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त की, कितनी मुसीबतें झेली, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कभी जेल की काल कोठरियाँ उनका मुकद्दर बनी, तो कभी मुल्क की मोहब्बत में अपने सीनों पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश किया, तो कभी फांसी के फंदे को अपने गले का हार बनाया, औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। ये सब किस लिए बताओ, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें गुलामी की जुल्मत से पाक आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले सकें। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं होते। मोहतरम सामईन, 16वीं सदी ईस्वी में मुगलिया हुकूमत के दौरान बरतानिया से अंग्रेज़ ताजिर बनकर हिंदुस्तान आए और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क पर काबिज होते चले गए। 1708 तक अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में 3 बड़ी कंपनियां कायम हो चुकी थी। बाद में उन तीनों कंपनियों में इख्तिलाफ को देखते हुए मलिका बरतानिया के हुक्म से एक मुत्तहिदा तिजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वजूद में आई, और अंग्रेज़ अपने नापाक अज़ाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता मुल्क पर काबिज होते चले गए। उन्होंने जुनूब में कर्नाटक और मशरक में कलकत्ता पर कब्ज़ा कर लिया, और मद्रास पर भी उनका कब्ज़ा हो गया। बंगाल में मुर्शिदाबाद के हाकिम नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 ईस्वी में उनको शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन अपने वजीर मीर जाफर की गद्दारी की वजह से पलासी के मकाम पर वो शिकस्त खा गए। सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। उनकी शिकस्त की बुनियादी वजह फौज में शामिल मुनाफिकों और गद्दारों की मौजूदगी थी, जिनका इबरतनाक अंजाम चंद ही दिनों में दुनिया ने देख लिया। मीर जाफर जुजाम के मर्ज में तड़प तड़प कर मरा, और इसी तरह दूसरे गद्दार भी मारे गए। इसके बाद नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन बक्सर के मैदान में उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, और फिर मैसूर के हाकिम हैदर अली के काबिल फरजंद और जानशीन टीपू सुल्तान शहीद रहिमुल्लाह ने पूरी कुव्वत से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने की कोशिश की, लेकिन उनको भी खुद अपनों की साजिश से, जिसमें सर फहरिस्त मीर सादिक था, शिकस्त का सामना करना पड़ा, और वो भी 1799 ईस्वी में जाम शहादत नोश करके मुल्क से मुसलमानों की वफादारी की एक अजीम तारीख अपने पीछे छोड़ गए। टीपू सुल्तान का एक मशहूर कौल है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेज़ों की हिम्मत और बढ़ी, और वो हिंदुस्तान के और भी हिस्सों पर काबिज हो गए। फिर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुल्क की आज़ादी के लिए राह हमवार की। उसके बाद उनके साहबजादे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने हिंदुस्तान को दारुल हरब करार दिया और आज़ादी की तहरीक को परवान चढ़ाया, और इसी तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की कोशिशें जारी रहीं, यहाँ तक कि 1857 की जंग आज़ादी हो। यहाँ पर एक बात समझिए, बाज़ हज़रात ये ख्याल करते हैं कि हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहली जंग 1857 ईस्वी की जंग है, जो कि बिल्कुल गलत है, बल्कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें हुई।
जैसे नवाब सिराजुद्दौला ने जंग लड़ी, शुजाउद्दौला ने जंग लड़ी, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला ने जंग लड़ी और भी बेशुमार जंगें हुई, तो 1857 की जंग को अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली जंग कहना गलत है, बल्कि इससे पहले और भी जंगें हुई हैं जो अंग्रेजों के साथ लड़ी गई है। बहरहाल 1857 में तमाम हिंदुस्तानियों ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुश्तरका तौर पर अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दोबारा लड़ना शुरू किया। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी ये मुश्तरका कोशिश जबरदस्त जंग आज़ादी की शक्ल इख्तियार कर गई। मेरठ के मकाम से इसका आगाज हुआ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजी फौज में शामिल मुस्लिम और हिंदू सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया। अवाम भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस जंग को अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया। अगरचे इस जंग में शुरू में अंग्रेजों को शिकस्त हुई, लेकिन चूंकि उनके पास वसाइल ज्यादा थे इसलिए वो संभल गए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके दो बेटों के सर तन से जुदा करके एक तश्त में रखकर उनके सामने पेश किए गए। फिर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जंजीरें डालकर रंगून भेज दिया गया और वहीं उनकी वफात हुई। वहां पर उन्होंने एक शेर पढ़ा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इसी दौरान अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गई। बानी दारुलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे उलमा ने जंग लड़ी और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। उसके बाद अंग्रेजों ने बेशुमार जुल्म उठाए, हजारों उलमाओं को शहीद किया गया, भड़कती हुई आग में डाला गया, उन सबको भून दिया गया, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई, अवाम को शहीद किया गया, चारों तरफ नाशे ही नाशे पड़ी थी। अहमदुल्ला शाह को शहीद किया गया, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहिमहुल्लाह को यूरोप ले जाकर बहिरे रूम के जजीरे माल्टा में कैद किया गया, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कैद किया गया, हजारों उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमानों को जेलों में कैद करके नाकाबिले यकीन सजाएं दी गई। लेकिन वो अंग्रेजों की मुखालफत से पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, बल्कि अंग्रेजों की मुखालफत में वो बराबर कायम रहे और यहाँ तक कि उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराकर दम लिया। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुख्तलिफ सूरतों में कोशिशें जारी रहीं, मैदान जंग में मुकाबला करके, मदारिस के जरिए और भी मुख्तलिफ तहरीकों के जरिए, जैसे तहरीक आदम तआवुन, ये तहरीक महात्मा गांधी ने चलाई, तहरीक तर्क मुआलात, हिंद छोड़ो तहरीक, रेशमी रोमाल तहरीक, ये तहरीक शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने शुरू की, जमीयत उलमा तहरीक वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद के उर्दू नारे ने सबसे अहम रोल अदा किया। मुल्क को ये इनकलाबी नारा हजरत मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। मुअज्जज़ सामईन किराम, बिलाखिर बड़ी मेहनतों, कुर्बानियों और कोशिशों के बाद हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद हुआ। उन्हें शहीदां वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशां हिंदोस्तां आज़ाद है। भारत की इस जंग आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, खान अब्दुल गफ्फार खान, टीपू सुल्तान शहीद, हैदर अली, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद वगैरह वगैरह और भी बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। अल्लाह तबारक व ताला उन शहीदों को बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए और हमारे इस मुल्क में भाईचारा कायम फरमाए, इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।